जवाब भी तो देना पड़ेगा ना कि तुमने कहीं प्रभु की ईसा मसीह की बुराई बुराई है तो नहीं है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ कौन है ईसा मसीह। ये सब चीज आप अपने आप में सोच के देखना दीदी। ईसा मसीह वही है ना जो हम लोगों के खातिर सूली पे चढ़ गए थे, ये वही आदमी की कहानी है ना। हाँ नहीं मैं वो तो बोल रहा हूँ जिस चीज से प्रार्थना करते ये वही है ना जो अपने आदमियों को बचाने चक्कर से खुद सूली पर चढ़ गए थे। आप ये पढ़ते हुए बाइबल में पढ़े तो ये एक आम आदमी था, मतलब ये एक आम आदमी थे, इन्होंने कह रहे अपने जैसे बाबा बाबा होते ना इन लोगों के लिए जैसे बाबाओं को मानते हैं वैसे भगवान ऐसे परमेश्वर बने इन लोगों को ऐसा करें और विश्वास करने से भैया कोई बीमारी वैसी ठीक हो जाती है आदमी की है ना। तो उन्होंने विश्वास किया ठीक होगा तो इसलिए उन्होंने धर्मों को मानना चालू कर दी। दीदी गलत है, मैं दीदी आपकी बात समझ रहा हूँ, मैंने बता रहा हूँ। अब आप क्या भगवान की पूजा करेंगे तो फिर से बीमार करते हैं। दीदी आगे ऐसा पूछ लो ये लोग इधर ना आए है ना, और बिल्कुल ये सब चीजें ना आप अपने घर पे रह के जो करना आपको नहीं, तो हम घर पे करते कुछ दीदी। हाँ क्योंकि अभी सूचना मिली थी कि इधर कुछ लोग आए हैं इसलिए आप हमको यहाँ तक आना पड़ा, नहीं तो हम लोग हमारा काम धंधा छोड़ देंगे। मालूम आपको दीदी दमुआ नागदो प्रासिया संकट है हमारा, मतलब अभी तो हमारा संकट में पड़ जाएगा करके कहाँ कहाँ से लोग आएंगे। अभी तो ये ऐसा ही है, अभी अभी शुरुआत का दौर है, ये शुरुआत का दौर है उनका बता भी देना। पर अब कहीं भनक लगी थोड़ी सी मेहरूस की मक्खी जैसी, तुम भोर की मक्खी कम पड़ जाएगी। बोलना कि कुछ लोग आए थे वो ऐसा कह रहे थे कि इधर ना हो, बता देना 20% के लोग भी आए थे, आरएसएस वाले भी आए थे बोलना, गलती से भी इधर ना दिखे पूरे संगठन के बड़े बड़े लोग भी आए थे बोलना। मैं हम इधर के हिंदू चाहे थे बोलना है, पूरा हिंदू चाहे थे बोलना। ओके हो गया समझा दीजिए, चलो ठीक है। दीदी यहाँ धीरे धीरे लोग जुड़ते जा रहे हैं ना, खबर मिली आप आपा ही रहोगे ना, आप आपा ही रहोगे। आपका जनरली कोई भी पढ़े लिखे एजुकेटेड लोगों के पास क्यों नहीं जाते, ये लोग क्यों नहीं जाते, कभी भी नहीं जाते ये लोग जो आप बोल रहे हो ना, ये लोग इनकी यूनिटी है, ये ऐसी ही जगह पे जाते दीदी पिछला बार ना, ये कभी देखा आपने इनको प्रार्थना करते हुए? कभी प्रार्थना करते देखे उनको? नहीं दीदी ये लोग कभी देखो तुमने ऐसी जगह प्रार्थना करते हैं? अरे दीदी आपने उनको कभी ऐसी जगह प्रार्थना करते देखे? नहीं वो ऐसी इंटरनल एरिया को पकड़ते थे अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए। दीदी उन लोगों को टारगेट ही आप कहीं समझ नहीं रहे हो, कितने लोग हैं इस गांव में, अगर वो इतने समझे कितने लोग होंगे? हम भी बन जाएंगे 10 से 11 नहीं होंगे, आप क्लियर बोल रहे हैं ना, क्योंकि सर्वे यहाँ पे संगठन के माध्यम से सर्वे होगा, सर्वे हर जगह पूछेंगे है ना, संगठन के वरिष्ठ कार्यकर्ता पूरे वरिष्ठ लोग बैठे हैं अभी तो उनसे बड़े आने वाले हैं, तो मेरे से निवेदन है कि 10 से 11 ना हो और 10 से कम हो नहीं, जैसे कि बोलो तो, और जैसे तुम्हें बच्चे लोग आ जाते हैं, अरे बच्चे लोग नहीं, वो तो मम्मी पापा सब बच्चे लोग बात कर लो उधर से आ क्या सकते कर लो कर लो कर लो अभी जब डालेगा ना क्या हो गया भैया आपको बात करने में क्या हो फोन आया तो क्या हो किसी का भी आया क्या कर लो बात कर लो बात कर लो आप कर लो फोन मत काटो बात कर लो कंपनी का है चल 10 लोग बता रहा भाई साहब 10 आज की डेट डेट लिख के डायरी में लिख रख लेना 10 से ज्यादा भी है 10 से ज्यादा 10 तो उधर ही बता रहे थे 10 तो उधर ही कह रहा है।